तो इस वीडियो में ना वो वाली R15 वर्जन 2 भी और ये वाली भी पूरी चला के दिखाने वाला हूँ। इसका एग्जॉस्ट नोट तो भाई आप लोगों को सुनना ही होगा बिल्कुल ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीनी मोटरराड। तो यार देखो, आज आपको कुछ अलग दिख रहा है ये बाइक। ये R15 ही है, आपको अगर पहचान में ना आ रही, R15 वर्जन 2 है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉडिफिकेशन हो रखी है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब हर एक तरीके का काम हो रखा है इसमें। पेंट जॉब से लेकर डबल डेक, टब, फैट टायर, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ और किसने किया है सब कुछ पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आप लोगों को ना। तो देखो, काट दे। यार एक बार ना आप लोग इसका पेंट चेकआउट कर लो। देखो जो फिनिशिंग आ रखी है ना, एकदम बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग के साथ, ऑरेंज कलर ब्लैक कर रखा है ये पार्ट में, मतलब हर एक तरीका से काम किया गया है। जितना भी काम किया गया है बहुत तरीके से काम किया गया है। एक बार हेडलैम्प्स देख लो, हेडलैम्प्स स्मोक कर रखे हैं, ठीक है। साथ में जो ग्राफिक्स किए गए हैं, बहुत सोच समझ के ग्राफिक्स किए गए हैं, आगे ब्लैक स्ट्रिप ऑरेंज के साथ वाइट, बहुत ही सोच समझ के काम, मड गार्ड भी पूरा कर रखा है ऑरेंज, और ये डबल डिस्क देख लो एक बारी, ठीक है। और ये देखो, अगर ये मडगार्ड देखोगे तो R15 V2 का नहीं है, ये मॉडिफाइड है पूरा। और ये डबल डिस्क है, देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये देखो इसमें डबल डिस्क है। तो जो ये वाला डिस्क है ये सिर्फ शो ऑफ डिस्क प्लेट है, ये कोई वर्किंग नहीं है अपनी, ठीक है। और अब थोड़ा पीछे की तरफ आ जाए तो देखो, यहाँ पे भी ग्राफिक्स कर रखे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ भी इस वाले पैनल पे भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स कर रखे हैं। तो बाइक दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है यार। और ये देखो, अपने एग्जॉस्ट भी लग रखा है इसमें, और जो एग्जॉस्ट है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, पूरा बेंड पाइप के साथ चेंज हुआ हुआ है ब्लैक कलर का। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ खरीदना भी रहेगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ईजिली आप खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट V2 के लिए अवेलेबल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा उस चीज़ का। और ये देखो एक बार, सबसे बेहतरीन चीज़, मतलब आई कैची चीज़ इस बाइक की, टायर देख लो एक बार आप, क्या बेहतरीन टायर लगा रखा है इतना। एक बार टायर साइज देख लो, सत्रह साइज है रिम का, अलॉय का 17 साइज है, और 190 बाई 50, ठीक है। विड्थ इसकी 190 है और 50 इसकी हाइट है। सुपर बाइक का टायर है। और यार कई लोग इसमें से ना मतलब कमेंट करने वाले हैं, जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था उस वाले R15 वर्जन 2 को देख के, कि भैया चलती भी है ये टायर, तो तुमने लगा दिया इतना हैवी, अभी चलने लायक बची है बाइक। तो इस वीडियो में ना वो वाली R15 वर्जन 2 भी और ये वाली भी पूरी चला के दिखाने वाला हूँ। इसका एग्जॉस्ट नोट तो भाई आप लोगों को सुनना ही होगा बिल्कुल ही। और ये काम किस बंदे ने किया है, इस बाइक का, उस बाइक का, उससे भी आज मिलने को मिलने वाला है सबको, ठीक है। तो अगर किसी को कराना रहेगा तो इस बार करा सकता है, मैं उसको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे दूंगा। तो देरी ना करते हैं, अब उस बंदे को बुलाते हैं। एक बार पर साइड चेकआउट कर लो आप, ये वाला भी देखो, पूरा फिट एंड फिनिश है बाइक का, ये देखो। अब इसमें और उसमें दोनों में फैट टायर डला हुआ है, बट इस वाले का जो फैट टायर है वो 190 नंबर का, उसका 200 नंबर का है। और इसका जो स्विंगम है थोड़ा एक्सटेंड किया है, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल पा रहा होगा, ये एक्सटेंड किया गया है। और जबकि अगर उस वाले की बात की जाए
तो वो इतना एक्सटेंड नहीं किया गया है। देखो एक बार पीछे से देख लो, वो एक्सटेंड नहीं किया गया है, जितना रहता है एक डिफॉल्ट बाइक का उतना ही है। उसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, उसमें थोड़ा कम पैसा खर्च किया गया है कंपेयर टू इससे, इस वाले R15 से। तो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं इसका। तो देखो आप लोगों के लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और बाइक को स्टार्ट करवाता हूँ। अमन भाई एक बार बाइक को स्टार्ट करो यार, एग्जॉस्ट नोट तो सुनना बनता है इसका। थोड़ा रेव करो, एग्जॉस्ट नोट आप लोगों ने सुन ही लिया, क्या जबरदस्त लग रहा है। तो देखो यार एक बार ना टाइम आ गया जिस बंदे ने मतलब ये सारा काम किया इन दोनों बाइकों का, उनसे बात की जाए। क्या हाल है भाई? तो यार इन दोनों बाइकों का आपने ही काम किया यार, ठीक है। तो यार एक अंदाज़ा दो, अगर किसी को मतलब इन ऐसी बाइक बनवानी है अपनी कंप्लीट, तो कितना टाइम लग जाता है उसको? 40-45 दिन लग जाते हैं, और डिपेंड भी करता है कि कैसा काम करवाना है और कैसा चीज चाहिए, कैसी फिनिशिंग चाहिए। मतलब एक अंदाज़ा लिया जाए तो 40-45 दिन में एक बाइक को तैयार होना लगता ही है। अगर एक बात बताओ, अगर किसी बंदे को सिर्फ टायर चेंज कराना हो, फैट टायर लगवाना हो अपनी बाइक में, तो कितना टाइम लग जाएगा? महीने भर तो लग ही जाएगा। महीने भर का टाइम मान के चले इस चीज के लिए। और एक खर्चे की अगर बात किया जाए कि अगर फैट टायर लगाना है तो कितना खर्चा आएगा? मतलब 30-35 अच्छी क्वालिटी जो दिखेगी, भी चीज दिखेगी और चलेगी भी, आपको कोई चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी कोई देखेगा लुक भी आपको प्यार लगेगी ना, उससे आपको दिक्कत आएगी। हाँ 30-35 हज़ार तक खर्चा हो ही जाएगा, क्योंकि यार देखो इसमें स्विंग आर्म भी चेंज होगा, चेन भी नई डलेगी, स्प्रॉकेट भी नया डलेगा, अलॉय व्हील भी नया हो गया, कैलिपर का भी देखा जाएगा, कैलिपर भी काफी हाँ, तो इतना तो खर्चा आएगा ही आएगा अगर मतलब तरीके से काम कराएगा बंदा तो। और एक इसमें यार देखो, अगर डबल डिस्क लग रखी है, मैंने देखा जैसे कि आपने डबल डिस्क लगाई हुई है इसमें, तो यार एक चीज बताओ, इसकी तो डिस्क ब्रेक वर्किंग नहीं है। हाँ, अगर कोई वर्किंग है, हाँ एक ही सिंगल डिस्क इसकी वर्किंग है। अगर किसी बंदे को डबल डिस्क करानी है अपनी आगे वाली बाइक, मतलब अपनी R15 या कोई भी बाइक है उसको डबल डिस्क कराना है आगे वाली, तो हो सकती है और दोनों वर्किंग हो? वर्किंग है तो सर बहुत पैसा लगता है, बहुत कॉस्टली है वर्किंग, तो 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है पूरे में। और अगर आपको वर्किंग नहीं करानी तो खर्चा आएगा आपका वही 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। 4-5 हज़ार में मतलब एक शो ऑफ शो हो जाएगी, डबल डिस्क दिखेगी आपको और अच्छी भी लगेगी बहुत अच्छी। और अगर ये एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट में कितना खर्चा आ जाता है? मतलब एग्जॉस्ट भी काफ़ी तरीके के होते हैं, अगर आपको वेल्डिंग करवा के कराना है या आपको पूरा कंप्लीट चाहिए तो उसमें भी काफ़ी खर्चा आ जाएगा। अगर आप पूरा कंप्लीट चाहिए तो सर हर तरीके की मतलब एक अंदाज़ा लिया जाए तो 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी बंदे के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी महंगे महंगे कोस्ट के आते हैं तो वही देख के किया जाता है, फिनिशिंग से भी होता है और हर चीज़ देखने पड़ती है यार। बाकी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पेंट तो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का, मतलब पेंट की तो बहुत ही जेन्युइन पेंट है, रॉयल पेंट है, तो उसकी ग्राफिक भी एकदम जो कंपनी से आती है वाली ग्राफिक लगा रखी है। हाँ मतलब पेंट क्वालिटी भी बहुत वेल मेंटेन्ड है काफ़ी। हाँ क्योंकि कंपनी में पेंट आता है और जो ग्राफिक आती है वो सेम ऐसी ग्राफिक आती है, बिल्कुल सेम डिटो। हाँ ये चीज़ पता चल रहा है एकदम, मतलब पता चल नहीं रहा पेंट का, तो पता ही चल रहा है कि बाहर से किया कराया गया है। हाँ बिल्कुल ये चीज़ तो लगी रही है। और अच्छा अमन भाई, भाई देखो इस बाइक को ना हम लोग चला के भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ना डाउट है कि भाई इतना मतलब 150 cc के इंजन में कितना हैवी टायर लगा दिया, तो बाइक अब चलने लायक भी बची है या स्प्लेंडर से भी धीरे चलती है? बट उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि भाई क्वालिटी बहुत चीज़ होती है, अगर चाइनीज टायर लगा लोगे तो दिक्कत आएगी, हल्के टायर है, इम्पोर्टेड टायर है, ये चीज़ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ करी है प्रैक्टिकली यार। तो लोगों को दिखाने वाले अभी हम इस बाइक को चलाते हो, और एक बात बताओ कितनी एवरेज कम हो गई, क्योंकि इस बाइक में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी लगा है, ठीक है, और टायर भी हैवी लगा हुआ है, तो एक एवरेज पे कितना फर्क आया है? बस एक तो चलाने पर डिपेंड है। हाँ आप कैसे चला रहे हो या किस तरीके से
हाँ मैंने एक बार इसके ओनर से ही बात की थी तो उसने कहा बस 4 से 5 का फर्क आया, क्योंकि यार फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और टायर भी हैवी लगा है तो इतना तो फर्क आएगा ही आएगा। और शौक के लिए भाई 4 से 5 किलोमीटर बंदा कुर्बान कर सकता है एक लीटर पे। नहीं आप इसको कहीं भी ले जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो काम इसमें कर रखा है वो काम प्रॉपर है, आप इसको कहीं भी ले सकते हो और जैसे मर्जी चला सकते हो आप। चलो इसको एक बार चला के दिखाते हैं, इसको भी चला के दिखाएंगे आज, इस वाली को भी चला के दिखाएंगे, ये अपनी ब्लैक डेविल। ठीक है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अमन भाई से, तो देखो अब इस बाइक को हम चलवाते हैं एक बार। अमन भाई एक बार चलाओ इस बाइक को, आओ तो देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ये पिकअप वाली जो आप बोल रहे थे कि स्प्लेंडर इतनी पावर रह गई है, वो चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी आप लोगों की। एक बार ना इस वाली बाइक को भी चलवा देते हैं, इसमें उससे भी बड़ा टायर लग रखा है 200 नंबर का इसमें। ठीक है मेरा प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखी होगी वाली बाइक, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ जाके देख लो। अमन भाई एक बार इसको भी चलाओ यार ज़रा, और व्यूअर्स के डाउट क्लियर कर दें हम आज। बाइक देख रहे हो यार क्या लग रही है ज़बरदस्त। जल्दी इसकी पब्लिक रिएक्शन सीरीज़ बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि पब्लिक रिएक्शन सीरीज़ आए इन दोनों बाइकों की तो कमेंट करने हैं आप लोगों को, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। सर देखो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाया, मतलब बाइक के बारे में पूरी एक एक डिटेल्स दी, और जिस बंदे ने इसका काम किया हो वो सारा बताया, उसके सारी बातें निकलवाने की कोशिश करी हम लोगों ने कि होता है कितना देर टाइम लगता है, सब आपको बताया, और यहाँ तक कि आपको बाइक चला के दिखाई, बाइक का साउंड सुनाया। सर देखो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सर सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया तो लाल बटन आ रहा होगा जल्दी से उसको दबा दो। और हाँ यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है, क्यों नहीं पहुँचती क्योंकि उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ, फटाफट से घंटे का दबा दो और मेरी कोई वीडियो मिस मत करना आप, इन्फॉर्मेटिव लग रही है। और हाँ यार वीडियो कैसी लगी है ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी आगे इस चैनल पे। तब तक के लिए राइड सेफ, मैं तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।